उर्दू खबर के मुजिज़ दोस्तों हूँ माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को असल नाजनिक्रामी हम अपनी अक्सर वीडियोज़ में दजाल की खुफिया तंजीमिनती का जिक्र करते रहते हैं जिसे अगर हम इस्लाम के खिलाफ काम करने वाली सबसे बड़ी खुफिया तंजीम कहें तो गलत ना होगा कहा जाता है कि इस तनजीम के एजेंट पूरी दुनिया और खसूसी तौर पर इस्लामी ममालिक में फैले हुए हैं जिनका काम सीधे रास्ते पर लगे हुए मुसलमानों को भटका कर बुराई के रास्ते पर लगाना है लेकिन दुनिया उस वक्त हैरान रह गई जब सोशल मीडिया पर एक वायरल होने वाली वीडियो में इस तंजीम के एक एजेंट को देखा जा सकता है जो अपने गुनाहों से तौबा करके दीन इस्लाम में दाखिल हो रहा है आज की वीडियो में हम इस वायरल वीडियो की हकीकत से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि आखिर इस शख्स ने तौबा क्यों की जबकि इसके साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके चेहरे पर बने हुए निशानों का दजाल से क्या ताल्लुक है प्यारे दोस्तों ये बात ज्यादा पुरानी नहीं बल्कि यह वीडियो कुछ दिन पहले ही वायरल हुई जिसमें एक ऐसे शख्स को देखा जा सकता है जिसका चेहरा दजाली तंजीम के निशानों से भरा हुआ है लेकिन उस वक्त यह शख्स शर्मिंदा सा नजर आ रहा है इस वीडियो में इसे यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं क्योंकि मैंने मुसलमानों के खिलाफ बहुत काम किया है लेकिन अब मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुका हूं लिहाजा मुझे माफ कर दिया जाए शख्स मजीद कहता है कि मैं अपनी भलाई के लिए अल्लाह पर ईमान लाता हूँ और आज के बाद मैं सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करूंगा और किसी इंसामी तंजीम के सामने नहीं झुकूंगा इसके साथ साथ इस शख्स का यह भी कहना था कि मैंने सुना है कि हमारे जद्द अमजद हजरत आदम सलाम ने भी एक गलती की थी जिसके बाद उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया था लेकिन फिर जब उन्होंने तोबा की यह शख्स मजीद कहता है कि आज से मैं एक लाख चौबीस हजार अंबिया पर ईमान लाता हूँ और हज़रत मोहम्मद सल्लाम को आखिरी नबी तस्लीम करता हूँ नजर अब अगर इसके चेहरे पर बने हुए दिजाली निशानों की बात करें तो आपको बताते चलें कि एलुमिनती का सबसे मशहूर निशान एक आंख का निशान है जिसे सब पर नजर रखने वाली आंख कहा जाता है क्योंकि आदीस के मुताबिक दजाल एक आंख से काना होगा और वह अपनी एक आंख का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया देखेगा लिहाजा यहूदी तनजीमों और इबादत में आपको हर तरफ उस आंख का निशान नजर आएगा जबकि खुफिया तौर पर भी इस दजाली निशान को मुख्तलिफ रोजमर्रा की अशिया में दाखिल कर दिया गया है जिनसे आम आदमी बिल्कुल नजर आता है और इसी तरह ये यहूदी दजाल के उस एजेंडे को कामयाब बनाने में लगी हुई हैं जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाला नोट एक डॉलर का है और हैरान तौर पर इस पर भी आपको ये आंख खुद को घूरती हुई महसूस होगी अवाम को बहकाने के लिए अमरीकी हकूमत यह दावा करती है कि यह खुदा की तरफ से इशारा है जो कि सबको देखता है मगर इलुमिनाती इसे शैतान की आंख करार देते हुए अपना निशान बताते हैं इसी तरह यही निशान आप उस शख्स के माथे पर भी वाज तौर पर देख सकते हैं जो चीख चीख कर उस शख्स के इलुमिनाती होने का ऐलान कर रहा है दोस्तों इनका दूसरा बड़ा निशान एहराम है और इलुमिनाती अपनी तंजीम को अहराम की शक्ल से इबारत करते हैं सबसे ऊपर वाला पत्थर इनकी लीडरशिप की नुमाइंदगी करता है और नीचे दर्जा बदर्जा इनकी तंजीम के अहदेदारान और कारकुनान के दर्जे हैं लेकिन ये अहराम मुकम्मल नहीं है क्योंकि इलुमिनाती कहते हैं कि इनके मंसूबे अभी मुकम्मल नहीं हुए और ये नामुकम्मल अहराम उसी चीज को जाहिर करता है इलुमिनाती करके अपने आदाफ हासिल कर रहे हैं और अहराम को मुकम्मल कर रहे हैं अब गौर से इस शख्स के माथे पर देखें जहां वाज अंदाज में अहराम की शक्ल बनाई गई है जो इस बात का दूसरा सबूत है कि इसका ताल्लुक इलुमिनाती से था प्यारे दोस्तों इसके अलावा आग के शोले को भी शैतानी अलामत से ताबीर किया जाता है और यह भड़कता हुआ आग का शोला ना सिर्फ रोशनी और دانش को जाहिर करता है बल्कि यह ज़माना क़दीम से ही शैतान का निशान समझा जाता है जिसकी इलुमिनाती इबादत करते हैं क्या आपने नोट किया है कि अमेरिका पहुंचने वाले बहरी जहाज सबसे पहले लिबर्टी का मुजस्मा क्यों देखते हैं क्योंकि उस मुजस्मे में देखा जा सकता है कि एक औरत जो कि एक मशाल उठाए खड़ी है यह लेडी लिबर्टी दरअसल बाबुल की सीमी रामसेस नामी देवी है और ये जमीन के पुराने पुरानेकुमरानों को तबाही और नए हुक्मरानों की आमद का ऐलान करती हुई दिखाई देती है जबकि इसके सर से निकलती हुई किरणें सूरज की रोशनी की अलामत है बाइबल में शैतान को लूसीफर कहा गया है जिसका एक मतलब सुबह का तारा है और दूसरा मशल बर्दार होना है यूं ये रोशनी भी शैतानियत की अमामत है इसके बाद पंचकोने सितारे की बात करें तो जमाना कदीम से ही यूरोपी जादूगर पंचकोने सितारे का हिसार बनाकर इसके बीच में शैतान का सर बनाते हैं और वहां बैठकर काला जादू करते हैं क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक ये शैतान का निशान है जमाना कदीम से यह अकीदा चल आ रहा है कि ऐसा पंचकोना सितारा जिसकी नोक ऊपर हो शैतान और बलाओं से बचाता है लेकिन ऐसा पंचकोना सितारा जिसकी एक नोक नीचे और दो ऊपर हो वो शैतान का घर है जब अमेरिका आजाद हुआ तो जॉर्ज वाशिंगटन और थॉमस जेफरसन ने फ्रांसीसी माहिर तामीरात चार्लस लैनीफिन को वाशिंगटन का सदर मकाम तामीर करने का हुक्म दिया तो उसने इसकी सड़कें ऐसी बनाई जो कि इलुमिनाती के इस शैतानी सितारे की तरह थी इसके साथ साथ ये भी याद रहे कि छः सौ छियासठ का नंबर भी दजाली अकीदे में ख़ास अहमियत रखता है क्योंकि इंजीले मुकदस में दजाल का निशान छः सौ छियासठ नंबर का बताया गया है यह दजाल इलमिनातीयों का वो हुक्मरान है जो कि सारी दुनिया पर इनकी हुकूमत कायम कर देगा मौजूदा दौर में खास तौर पर यह निशान म्यूजिक कंपनियों के इश्तिहार और लोगों में दिखाई देता है जिससे पता चलता है कि मौसीकी पर खास तवज्जो दे रहे हैं ताकि साले नौजवानों को बहकाकर राह राह से हटा सके प्यारे दोस्तों ये तमाम वही निशानात हैं जो आप इस शख्स के माथे या गालों पर देख सकते हैं जिसके बाद इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि एक यहूदी था जिसने इस्लाम कबूल कर लिया है आप यहूदियों की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज अमरीका जैसे मुल्क में सिर्फ पांच फीसद से भी कम यहूदी बसते हैं लेकिन कोई उस वक्त तक सदर नहीं बन सकता आलमी इदारों की मोहताज हो चुकी है जो यहूदियों के कब्जे में है ऐसे ही दुनिया के कुल बड़े पिचासी फीसदे अमरीका के पास हैं जबकि इनमें से चौवन फीसद पर यहूदी मुसलत है और इसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज के रूप में वॉल स्ट्रीट जैसा इदारा जिसके हाथ में दुनिया की अस्सी फीसद दौलत है यहूदियों के कब्जे में है पूरी दुनिया के मीडिया को ही ले लीजिए दुनिया का अट्ठानवे फीसद प्रेस और प्रिंट मीडिया बिल वास्ता या बिला वास्ता यहूदियों के कब्जे में है और व्हाइट हाउस पर यहूदी कंट्रोल भी किसी से ढका छुपा नहीं है जबकि अमेरिका की तीस बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों में से अट्ठाईस यहूदियों की है इसके अलावा इस वक्त हॉलीवुड में काम करने वाली बहत्तर फीसद फिल्म साज कंपनियां यहूदियों की मिल्कित हैं दुनिया की सबसे बड़ी 102 अमेरिकी दो यूनिवर्सिटियों में से बहत्तर इन्हीं के पास हैं और इस सूरत हाल को देखते हुए मायरीन का कहना है कि अगर दुनिया की 10 बड़ी पार्लियामेंट में यहूदी अरकान की तादाद एक हो जाए तो वह दुनिया के सत्तर फीसद वसाइल के मालिक बन जाएंगे सिर्फ यही नहीं बल्कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी असलिया मंडी यहूदी चला रहे हैं और पूरी दुनिया में सत्तर फीसद दवा साज कंपनियां इसी टोले की मिलकियत है पूरी दुनिया के बैंकों में पड़ी रकम का नौ फीसद इसराइल की मिलकियत है पिछले चालीस साल में साइंस में सबसे ज्यादा नोबल प्राइज यहूदियों ने हासिल किए हैं इस वक्त दुनिया की 111 सबसे बड़ी कंपनियों में से निन्यानवे यहूदियों की हैं और 2007 के आदाद शुमार के मुताबिक पूरी इस्लामी दुनिया में तीस हजार मल्टी नेशनल कंपनियां काम कर रही है जिनमें से इक्कीस हजार मल्टी नेशनल से सिर्फ दो कंपनियां साल में इतनी इतनी रकम कमा लेती हैं कि पूरी मुस्लिम दुनिया तेल बेचकर नहीं कमाती दोस्तों मुख्तर यह कि पूरी दुनिया पर यहूदी कब्जा कर चुके हैं और मुसलसल कर रहे हैं लेकिन दूसरी जानब हम मुसलसल पस्ती की तरफ गामजन है आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन को समझने और इस पर मुकम्मल तौर पर कार्बंद रहने की तोफीक अता फरमाए आमिन सुमाम